लड्डू दीजिए। अरे आज शुक्रवार है, भूल गए क्या? अरे ये लड्डू हमने संतोषी माँ के भोग के लिए बनाया है। और आपको पता है आज ठहर जी भी हमारे साथ मंदिर जा रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे बेटे, यही तो संतोषी माँ की कृपा है। आज देखो सच कह रहे हैं, हमने तो सोचा भी नहीं था कि भैरवजी में इतना जल्दी इतना बदलाव आ जाएगा। बस बेटी, हमारी ऊपर वाले से तुम्हारी बनी रहे, उस पर किसी की नजर नहीं। काका, सिंदूरी नजर अब भी हमारे स्तर पर बनी है, वो कभी भी वापस आ सकती है। सिंदूरी एक आ तुम एक बार डाले कौन में दूरी। हाँ बेटे, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, उसके पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है। हाथ का शॉट आए बाबू जी, वो प्लेट और सब का सुनना उठाना। सुन चलो, हो गया। जैसे कि अगर आज सीन में देखा आप किचन में छुप के जाते हैं, ये माजरा क्या है आखिर? माजरा ये है कि संतोषी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरी डॉटर इन लॉ, मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी डॉटर इन लॉ यही है, और हमारी बड़ी दोस्ती हो गई है, मैं उसे अपनी बच्ची की तरह समझता हूँ। और जाने का मकसद यही है कि मैं उसको मदद करता रहता हूँ उसकी कभी कभी किचन में, और आज मकसद तो यही है जाने का कि मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई तो मैं उसको कहने गया कि बड़े अच्छे लड्डू बना रही हो, मगर पता चला कि कोई और कॉम्प्लिकेशन है बहुत बड़ा। तो ये सीन, इस सीन का मकसद ये है कि इस सीन से एक नया ट्विस्ट आता है और एक नई टेंशन शुरू हो जाती है इस हमारे सीरियल में। तो इस सीरियल का महत्व ये है। अभी 15 अगस्त आ रहा है जी, तो हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? मैं तो हुजूर 15 अगस्त सेलिब्रेट तो मैं खैर मार्च पास तो करता नहीं मैं, क्योंकि अभी उम्र हो गई है। हाँ ये है, हमारी बिल्डिंग में झंडा बुलंद करते हैं ये लोग, हमारा एक झंडा सा लगा हुआ है, तो वहाँ सारा बिल्डिंग के लोग ज़्यादा नहीं है, कोई समझो कि 15-20 जमा होते हैं, और फिर हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं। टोपी के बिना सलूट नहीं किया जाता, मगर मैं तो सलूट भी मार देता हूँ। और फिर ये सुबह जो 15 अगस्त को जो हमारे मोदी साहब की एक जो तकरीर होती है, भाषण जो होता है लाल किले से, वो लाल किले का भाषण मैं जवाहरलाल नेहरू के दिनों से देखता आया हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेंट स्टीफन्स कॉलेज, तो वहाँ से हम पैदल आया करते थे हर 15 अगस्त जवाहरलाल नेहरू साहब की स्पीच सुनने, और उससे बड़ा प्रभावित होता था, हम सब प्रभावित, बड़ा अच्छा बोलते थे वो, आधी हिंदी आधी उर्दू, और एक्सटेम्पोरी बोलते थे, मतलब कोई उनके सामने नहीं होता था, कोई स्पीच लिखी हुई तकरीर नहीं करते थे वो। तो फिर मैं ज़रूर उसी तरह अभी दिल्ली जाके
बैठ तो नहीं सकता वहाँ जैसे हम अपना जाया करते थे कॉलेज के दिनों में, मगर मैं मोदी साहब की स्पीच ज़रूर सुना करता हूँ, क्योंकि सच बात यह है, आपको सच बताऊँ, एक तो वो भी नेहरू साहब की तरह बिना पढ़े दिल की बात करते हैं, और दूसरी बात ये कि मैं नेहरू साहब के बाद ये जो बीच में जो साल गुजरे मैं चला गया था विदेश, और विदेश से वापस लौटकर बड़ी आशाएं और आकांक्षाएं थी मेरी कि हिंदुस्तान अब और बुलंदी पे पहुंचेगा, और बुलंद, मगर एक मायूसी के बादल छा गए थे मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत घोटाले वगैरह ये सब मुझे लग रहा था कि इस मुल्क का क्या होगा। मगर सच दिल की बात कहूँ मैं आज, बिल्कुल दिल की बात कह रहा हूँ कि मोदी साहब के एक तो उनको उनका भाषण करने का तरीका जो है वो बड़ा अच्छा है, वो जो बोलते हैं तो अपने दर्शकों को वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, ही इज़ वेरी गुड स्पीकर। और दूसरा दिल की बात करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, और तीसरी बात नेहरू साहब की तरह मैं उनसे बड़ा एक ज़माने में प्रभावित हुआ था, मुतासर हुआ था, वो मिले भी थे मुझे बाय द वे जब मैं रूस में पढ़ता था। तो मोदी साहब के दिल में जो हिंदुस्तान के प्रति जो एक जोश है, मेरा ये दृष्टिकोण है कि बिना जोश के इंसान ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो मोदी साहब में जो जोश है, जो हिंदुस्तान के प्रति प्यार, असल दिल्ली प्यार मोहब्बत है, दिल से प्यार मोहब्बत है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं भी पिताजी की तरह, बलराज सहनी साहब की तरह एक ही बात सीखी थी कि अपनी सरजमीन से बहुत प्यार होना चाहिए, अपने आवाम से, अपने जनता से बड़ा प्यार होना चाहिए। तो वो उनकी मुझे तकरीर में, उनके भाषण में दिखाई देता है, और कभी कभी तो मैं फिर से प्रोत्साहित हो जाता हूँ, और ऐसे लगता है कि नहीं, हम लोग अब सही रास्ते पे जा रहे हैं और कुछ ना कुछ इस देश का होगा, क्योंकि मैं तो जब पैदा हुआ था तो हिंदुस्तान नया नया आज़ाद हुआ था, तो उस ज़माने की मुझे कुछ थोड़ी सी यादें ताज़ा हैं। तो ये 15 अगस्त इसी तरह मनाते हैं, और फिर यार दोस्तों को मिलते हैं, और फिर सुनते हैं क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम होते हैं। गीतों की बात की जाए तो आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है देश के ऊपर? देखिए, हमारे पिताजी ने एक फिल्म थी जिसका नाम था काबुलीवाला, वो गाना आज तक बड़ा लोकप्रिय है, वो है ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पे मैं कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पे मैं कुर्बान, ये हमारा पसंदीदा गाना है, और इसको गाया भी उन्होंने बड़े बहुत 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 बढ़िया गाया था उन्होंने, बड़े दिल से गाया था उन्होंने, शूटिंग भी बड़ी अच्छी हुई थी बिमल रॉय साहब की थी, ये हमारा पसंदीदा गाना है। एक वो दौर था और एक अब दौर है, इन दोनों दौरों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलती? देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मेरी ज़िंदगी में बेपनाह मायूसी छा गई थी सर, मैं बड़ा मायूस हो गया था, मैं कह रहा था यार इतनी आशाएं लेकर आए थे हम, इतनी आकांक्षाएं लेकर आए थे हम, इतना जोश व खरोश था दिल में कि ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, जैसे कि हमने सोचा था कि आज़ादी के बाद बहुत तरक्की हुई है, इस पर कोई शक नहीं, वी आर नाउ मेकिंग फैंटास्टिक प्रोग्रेस, वी हैव मेड प्रोग्रेस कम्पेयर टू हमारे जो कई साथ में मुल्क हमारे लगे हुए हैं, मगर फिर भी कुछ चीज़ें वैसी की वैसी रह गई थी। पहली बात तो यह है कि ये जो गंदगी और जो गुर्बत, जो गलाजत जो दिखाई देती है लोगों की ज़िंदगी में, थोड़े से मतलब यहाँ पे करप्शन और ये काफ़ी ज़्यादा है नज़र आई मुझे, और मुझे लगा कि हिंदुस्तान आगे बढ़ने के बजाय कहीं कहीं पीछे जा रहा है, और वो देशभक्ति का एक जो एक जोश होता है जो वो लोगों में ख़त्म हो रहा है, अब सब अपना पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, लड़कियां वैसे ही कपड़े पहन रही हैं, लड़के भी वही चाहते हैं, और अपनी संस्कृति, मुझे लगा कि प्राचीन संस्कृति है, बहुत प्राचीन संस्कृति है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हिंदुस्तान में, सारी दुनिया को सिखाया हमने यार,
बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े दार्शनिकों की स्पीचें सुनता हूँ, पश्चिमी दार्शनिकों की, वो भी इतने, उनकी आधी आधा दृष्टिकोण तो उनका यहाँ से लिया गया है। लाइक एका टोले ले लो आप, किसी को भी ले लो, आज अमेरिका में योगा वहाँ बड़ा पॉपुलर हो गया है, वहाँ पे मेडिटेशन तकरीबन सब लोग करते हैं, इतना पॉपुलर हो गया।